एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सुप्रीम कोर्ट ने एमपीसीजे एलिजिबिलिटी का जजमेंट आज दे दिया है और जजमेंट यही है, बहुत ही शॉर्ट में अगर हम लोग बात करें तो एमपी हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड ही किया है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कुछ भी व्यू नहीं लगा कि वो इंटरफेयर करें, जैसे कि आई हैव द जजमेंट लास्ट में जो है उन्होंने यही लिखा है, द जस्टिफिकेशन गिवन बाय द हाई कोर्ट टू अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द रूल हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट। जो भी जस्टिफिकेशन हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया था कि वो वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हैं इस रूल की, बेसिकली क्या जस्टिफिकेशन था कि जो है ब्रिलियंट एकेडमिक करियर होना चाहिए जो भी जजेस बनने का सपना देख रहे हैं उनका, एंड वी सी नो रीजन टू इंटरफेयर विद द सेट व्यू, हेंस द स्पेशल लीव पिटिशन आर अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। तो इस वजह से जो है स्पेशल लीव पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसा रीजन हमें नहीं लग रहा है जिसकी वजह से इंटरफेयर किया जाए इस जजमेंट में। तो अब आगे क्या कर सकते हैं, आगे कुछ नहीं कर सकते। अगर आप एमपी से हैं और अगर आप एमपी का ही पेपर देना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और जनरल और ओबीसी वालों के लिए आप जो है 70% चाहिए, और SC ST वालों के लिए 50% का जो क्राइटेरिया है वो है। एंड अगर आप अब नहीं एलिजिबल हैं एमपी के लिए और अगर अभी आप अपने कॉलेज में नहीं हैं एंड यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑल्सो, तो आप दूसरे स्टेट्स पर ध्यान दे सकते हैं। दैट इज द ओनली थिंग विच यू कैन डू। मैंने अपने कम्युनिटी टैब पर भी पोस्ट किया था, बट मुझे लगा कि इस तरीके से एक्नॉलेज करना ज़्यादा बेटर है, दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। देर इज नथिंग टू गेट डिसहार्टेंड अबाउट। और भी स्टेट्स हैं अभी लाइन में जिनकी वैकेंसी आ सकती है। अब ये हम स्पेक्यूलेशन लेकर के ना चलें, हो सकता है कि आगे सारी चीज़ें क्योंकि बाकी सारे स्टेट भी बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा सा वो करने की। यूपी में भी बात चल रही है कि 2 साल तक का जो है क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब 2 साल की आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एमपी नहीं दे पा रहे तो अभी आरजेएस की वैकेंसी है, आप उसके लिए जो है वो पेपर दे सकते हैं। बाकी और जो स्टेट्स हैं, जब तक कि उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो आप वो सारे स्टेट्स भी फिल अप कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड डोंट गेट डिसहार्टेंड, आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन। ये कोई आखिरी चीज़ नहीं है, आप कोई और पेपर भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आई नो कहना बहुत ज़्यादा आसान है, बट इट्स ओके। अब आप कुछ कर नहीं सकते बेसिकली, अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सारी चीज़ें जो है जब पिटिशन ही डिसमिस कर दी गई हैं एंड दे डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन इट। ठीक है, अगर एक व्यू से सोचा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का भी वही कहना है जो कि एमपी हाई कोर्ट का कहना था, कि दे वॉन्ट पीपल जो कि बेंच पे आकर के बैठेंगे एज जजेस, दे आर थिंकिंग विद द लिटिगेंट्स व्यू। दैट इज कि जो लोग कोर्ट में आ रहे हैं न्याय के लिए, जस्टिस के लिए, सुप्रीम कोर्ट और एमपी हाई कोर्ट दोनों यही चाहते हैं कि उनको जो है अच्छे से अच्छा जजमेंट डिलीवर किया जाए। तो कोई ऐसे लोग जो है डाइस पे या आपका बेंच पे ना बैठें जो कि एक अच्छा जजमेंट ना दे पाए। ठीक है, तो ये एक पूरा व्यू है उनका। सो आई होप आई एम क्लियर, आई हैव मेड द थिंग्स क्लियर। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।